आराम से, अभी छोटी है मगर इसका गुजारा चल जाएगा। शलजम माशाल्लाह तकरीबन एक माह से कम। सही कह रहे हो। क्रिच 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 करके मेरा कैसा है टेस्ट? माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हो। कहाँ गए थे घास काटने? सर के ऊपर नहीं रख सकते, रेडी ले गए थे, वजनी आए। अब बस उगाए घास काट रहा है, दोबारा लेने जा रहे हो या वो खुद लेता आएगा? जोर से बोलो जरा। और भी एक गट्ठा है, इस रेडी के साथ लाना है, बहुत वजनी होता है, हमसे नहीं उठाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम हो गया विलेज लाइव व्लॉग के अंदर। अब्बास भी साथ खड़ा था, मैंने सोचा जब भी इंट्रो करो ना अब्बास साथ हो। आप लोग सोच रहे हैं इरफान ने मास्क क्यों लगाया? यार दोबारा से मुझे एलर्जी छींकें आ रही थी, तो आज मौसम भी सर्द सर्द है, तो मैंने सोचा मास्क लगा लूँ, शायद कोई आबो हवा का चक्कर ना हो इस वजह से। तो वेलकम हो गया जी व्लॉग के अंदर अब्बास खान, किधर जा रहे हो रेडी लेकर? मैं पहले अंग्रेज बन गया। हमारी सुबह एक माह से पहले मशीन ख़राब थी ना, चारा काटने वाली, जो हमारे जो गाय भैंसे हैं ना, जो हम घास का टोका काटते हैं, अच्छा। वो ख़राब थी, ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, उनकी हालत तश्वीशनाक थी, अच्छा। तो फिर हमने सुबह उसको एक आर्जी तौर पर रश्के पर लाद कर रेतड़े पर खराज पर ले गए हैं, तो वो मिस्त्री का दो तीन चार दिन के बाद वो बन गई, बन जाएगी, अच्छा। तो फिर हम वापस आ गए तो आपके मशीन पर टोका और उसको कुछ चौक गया इधर बाइक पर, तो कुछ बचा हुआ है तो फिर उसको चलो उठाओ उठाओ, फिर मिलते हैं आप। अब्बास खान आ जाए, आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे अंदर घर गया हुआ है, रेडी भर कर आ रहा है जी, वो देखे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, आराम से जाओ आराम से, खैर से जाओ खैर से जाओ आराम से। इन लोगों की जो टोके वाली मशीन थी ना व्यूअर्स, वो ख़राब हो गई थी, तो हमारी लगी हुई है अंदर टोके वाली मशीन, तो आज जो टोका है वहाँ पे इन लोगों ने काटा है, कल परसों तक जब बन आएगी फिर अपनी जो है मशीन पे वो काटेंगे। देखें विलेज लाइफ के खूबसूरत से सीन। अच्छा व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक सिटी चला जाऊँगा, तो कोई ऑनलाइन काम के सिलसिले में, तो आप लोग बताइए कौन से सिटी जाऊँ, कौन सा सिटी मेरे लिए बेहतर है जी। तो अभी चाय बन रही है, चाय पीते हैं, पीकर फिर बाहर के सीन दिखाते हैं आप लोगों को विलेज लाइफ के इंशाल्लाह। व्यूअर्स आज अब्बासू को कह रहा हूँ कोई फ़नी व्लॉग बनाते हैं, तो ये अभी से अपना स्टाइल बना रहा है कि ऐसे मैं बनूंगी औरत ये वो, तो सोचते हैं व्यूअर्स कोई फ़नी व्लॉग, तो आप लोगों के साथ भी थोड़े से सीन शेयर करेंगे। अभी व्यूअर्स अब्बास खान कह रहा है कि इरफान चलो आपकी सब्ज़ी देखते हैं, क्योंकि हमारे सालाना बेस पे सर्दियों में गर्मियों में सब्ज़ी अपनी खुद काश्त करते हैं, तो काफ़ी दिनों से मैंने देखी नहीं है। अब्बास खान ठीक है ठीक है, पिया दी जाए, हाँ पिया दिखा दो व्यूअर्स को, आपने वो फौज में नहीं जाना, वो हमारे कमेंट आ रहे होते हैं, सलाम हो गया कमेंट वाले को, तो आओ जी आज अब्बास अभी व्यूअर्स अपनी सब्ज़ी पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को जो है छोटा बासु बताएगा कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ काट की गई। चलो अभी यहाँ से बताओ शुरू, आ जाओ, ये हमारा सब्जियों का इंजीनियर है, ये कास्ट भी यही करता है। पहले तो इस बार शुरू करते हैं ये वाली कणक, इसकी सब्जी दिखाओ, इसकी वैरायटी है, वैरायटी का नाम बता देना। अच्छा बताओ, दिलकश, अच्छा फैसलाबाद, हाँ अपनी अकबर। अच्छा ये आपको कैसे पता ये फैसलाबाद या दिलकश? इसके जो पत्रे पर नाड़ी है, तो इसको जो वजन बना रही है शक्ल पर ना, आज की है ना आपने, ये दिखाएगा सब्जी, तो आज इसने मुझे खुद हाथ से पकड़ कर कहा यार हमारी सब्जी को एक बार राउंड तो मार लो, तो मैं काफी जगह पर जा रहा ना था, तो फिर मेरी गाड़ी थोड़ा दूर खड़े, मैंने कहा यार आप ये वाला पत्ता इस्तेमाल करें ना, ये हमारी जो कंपनी है ना, ये इस पर बहुत कीड़े लग रहे हैं यार। अच्छा व्यूअर्स को बताओ, ये तो हो गया सब दुनिया, आगे वाला ये क्या है? ये हमने देसी थूम हाइब्रिड तो इस्तेमाल नहीं किया ना, हाइब्रिड तो यहाँ हमारे इलाके में तो किएगा ना, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये देसी थूम है, इसको अभी चोगी लगी हुई है ना,
अच्छा हाँ, इसको चोगी इसके साथ जो है बहुत सारा कुजा है इसको सफा करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हो गए, क्या हो गए? लहसुन हो गया। लहसुन ये इसको जो बढ़िया चिक्किया होती है वो मूल मूलियां मूलियां हाँ मूलियां हम अपनी जबान में कहते हैं मूलियां। आओ जी व्यूअर्स को नजदीक से दिखाओ कितनी बड़ी हो रही है। ये है मूलियां, ये छोटी वाली है अभी, कोई बड़ी देखो, कोई बड़ी ये अभी तो बच्चियां है, ये बड़ी वाली, ये वाली। ये है ये देखो, ये देखो जी माशाल्लाह जी, अभी ये छोटी है तो ये एक हफ्ते तक इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी, फिर हमारी देसी अपनी मूलियां हैं इनको तोड़ेंगे खाएंगे। चलो अभी अब्बास खान आगे वाले ये बताओ ये क्या है? ये यार हमने शलजम काट किया है। ये दिखा दो व्यूअर्स, ये छोटा है कोई बड़ा सा देखो। ये है व्यूअर्स हमारे अपने देसी शलजम माशाल्लाह, तकरीबन एक माह से कम इनको एक माह से हो गया है। अब ये बस तैयार हो चुके हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। जहरीली अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं किए, नहीं नहीं ये हमारे पास हमने खाद भी नहीं दी, ये हमारे बकरियों का जो साथ थे ना जब काश्त कर रहे थे वो आहल माल होता नहीं गोबर, हमने वही इस्तेमाल किया, ये उसकी ताकत है। ये छोटी बकरियों वाला है जो उसका गोबर वगैरह होता है ना वो खुश करके यहाँ पे फेंकते हैं, वो प्योर जो है डीएपी है। तो आए आप मेरे साथ, मैं इसको सफा करके आपको दिखाता हूँ कैसे खाना पड़ता है। ये ये क्या है? ये हमने साग के लिए पालक काश्त की है। साग क्या होता है व्यूअर्स को बताओ? साग जो हमारी सरमी नहीं होती वो जिसका असू पर तेल लगाते हैं सर पर असू पर तेल लगाते हैं। ये जो साग होता है ना हमारा, हम उसके साथ इसको मिक्स करके साग पकाते हैं, ये बहुत लजीज होती है पालक, ये मीठा करती है साग, ये साग को मीठा करती है। इसके हम सरसों के पत्ते से बनाते हैं, ये भी पत्ते तोड़ते हैं, ये भी अहम है ना शलजम का पत्ता है, बूले भी होती है पालक, ये पालक को ऐसे सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, सलाद में इस्तेमाल करते हैं। चला जी और आप, मैं इसको धोता हूँ आपको दिखाता हूँ ये कैसे मुंह के साथ छीलेंगे और कैसे खाना पड़ता है। मुंह के साथ छीलना और मुंह के साथ मतलब वहीं पे खाना, मजा उसका और है, और इसकी टेस्टी और इसकी जो लज्जत है ना और भी। अब्बास खान आप लोग खा अभी जो है जी, अब्बास खान आप लोगों को धोकर ये हमारा यहाँ पे छोटा सा नलका लगाया गया है बैठक पे हमारी जगह पे, ये छोटा छोटा है आपने यार इसको भी धो लो, ये तो एक गिरा का होगा ना। अभी ये धो रहा है अब्बास खान जी, फिर दिखाता हूँ आप लोग को कैसे खाता है। तो मुझे नज़ला लगा हुआ है, एलर्जी वगैरह हो रही है जिसकी वजह से मैंने मास्क लगाया, वरना मैं भी खा कर दिखाता आप लोगों को। मेरे पिछले व्लॉग इतने भरे हुए हैं, इतने पिछले साल के सर्दियों के इतने ज़्यादा खाते हैं हम, पार्टी करते हैं। चलें जी अब्बास खान उधर चार पे पर बैठ जाओ यार, भाई यहीं पे खाते आ जाओ, ये इनके साथ सब्जी के साथ बैठ कर खा जाओ। आए आए व्यूअर्स को दिखाओ तो। अच्छा जी जबरदस्त जी, बड़े माशाल्लाह नेचुरल, ये देखें आवाज खान जो इनको छील रहा है, ऐसे लगता है ये जमीन इनको फ्रिज पर रखी हुई है, ठंडे ककर हैं बहुत, दांतों को पकड़ जाती है ये वाला कचरा हम पैर फेंक रहे हैं, ये चिट्टी ये खाएंगे। देसी शलजम है व्यूअर्स, देसी प्योर हमने काश्त किए हुए हैं बगैर खाद के जी। अगली वीडियो पर जब आपने मैं चूहा मारा था वो ऐसे मेरे घास को टूकता है क्रिच, वैसे देखता आप आवाज सुनेंगे सही क्रिच 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 करके मेरा घास तबाह कर रहा था वो, और उसको मैंने बड़ी सख्त सजा दी। जब मैं घास काट रहा था वो, मैं घास जब काट नीचे से सारा छोटा छोटा, ये इतने नुकसानदेह चीज़ है, ये दो तीन घास के तीले खा जाए कोई बात नहीं है, तोड़ते जाते हैं ऐसे। ये देखें व्यूअर्स ये वाला कचरा, कुछ सेकंड में इसने अपना शलजम को ऊपर से छील उतार लिया, अब खाएगा, खाओ अब कैसा है टेस्ट इसका? अभी ये कच्चे है ना, इनका साग कच्चा आता है, अभी इनको पकने के लिए। ओ मूली एक दो अभी है तो छोटी, कोई बड़ी मूली एक दो तोड़ो, आज सोबत बना रहे हैं हम तो उसके लिए काम आएगी है, एक वो वाली तोड़ लो। हाँ आज भी बस हम सोबत बनाने का इरादा है, आज मौसम सर्द है इस वजह से, तो मूलियाँ एक तो देखते हैं अभी हैं छोटी कोई की बड़ी है, इसको निकालो ऐसे ऐसे आराम से निकालो, ऐसे ना करो सीधा। ओ ये पहाड़ा सी, ये पानी वाली है, इसके साथ दो पहाड़ा है ना, कोई और बड़ी वाली देखो।
सोभत देसी सोभत है छोटी, ये गुजारा है, ये है व्यूअर्स, अभी छोटी है मगर इसका गुजारा चल जाएगा। ऐसे ना करो, सीधा खींचा करो, सीधा खींचो खींचो, छोटी है बस, काफी है, एक और ले लो। ये है व्यूअर्स हमारी देसी मूलियाँ, ये देखें अभी हैं छोटी हैं, ये एक हफ्ते तक बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये शलजम के ऊपर वाले पत्ते अब्बास ने फेंक दिए थे, मैंने सोचा अपने रैबिट्स को डाल देता हूँ। आओ जी अभी आ जाएंगे, वो जी आ गए हैं। शलजम को खाएगा अभी, वो देखे खा रहा है शलजम को, ये वाली मादा है वो ना रहे, इनके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे जब अभी अंदर होंगे, वो देखें गंदी उधर ले गई है। वो इतने मासूम से होते हैं, बड़े प्यारे से, मेरे पिछले व्लॉग आप लोग देख सकते हैं, 30-40 व्लॉग पीछे आप लोग जब देखेंगे, मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं व्यूअर्स। अब्बास खान किधर आ गया हो, व्यूअर्स को ज़रा बता दो कौन सी जगह है ये तो छोटे बच्चों खेलने की जगह है, हमारा उधर स्टेडियम पड़ा है, हम उधर जाएंगे ना। कौन सा स्टेडियम, वो वाला? अच्छा इस स्टेडियम का नाम तो बताओ कोई, ये बस्ती कौन सी है जबरदस्त जी। तो ये हमारे गांव से कितने फासले पर मौजूद है पाक बुआ? इंदाजत मैंने कच्चे तो नहीं है, इंदाजा मैं लगाऊंगा 2-3 किलोमीटर। किस जाने में? 2 किलो ये हमारे शुमाल की तरफ है। शुमाल है यार, इधर नहीं, ये ऊपर नहीं, मगरब हो जाता है, मगरब वाले साइड, ये मगरब। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी छोटे बच्चे मैच खेल रहे हैं, तो हमारा इरादा भी बन रहा है, हमारे फारूक कजन साहब भी आए हुए हैं, मैं और अब्बास खान देखते हैं आज अब्बास की बैटिंग देखते हैं। तो वो यार हसन जो बूढ़ा आदमी है वो उसको ढूंढे, वो नेट पे होगा उधर, ऊंच पर बोलो खड़ी हो, वो कौन है? टीचर गाली करे थी ना, वो कोई फील नहीं करा, वो ठीक है बुजुर्ग, उसकी मजे की बात है। के हमारे नौजवान जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ आज पहली दफा अब्बास खान को मैं देखूंगा क्रिकेट खेलते हुए, तो अपने व्यूअर्स को जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो भी देखेंगे अब्बास। अब्बास खान, ओए अब्बास इधर देखो, इधर आओ, आज व्यूअर्स पहली दफा देखेंगे आपका मैच खेलना। मैं तो कहता हूँ मैच को छोड़ो, आज बाइक सीखते हैं, बाइक सीख चुके हैं, सो कल को मजा लगेगा, आज तो हम वैसे आपको दिखाएंगे ना व्यूअर, थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम निकालना, अभी खेल लो। हां वो वाला पिन लिखते हो, सुन पिन लिखते हो, मैं चले सुनाए, हां चले वैसे चले ना व्यूअर्स को सुन।